नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। हम आज की वीडियो में ही नहीं दोस्तों, हम कल की और परसों की वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको बताएंगे। ये दोस्तों एक छोटी सी सीरीज है, सीरीज के दोस्तों एपिसोड है पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। आज की वीडियो में पार्ट वन देख रहे हैं, कल पार्ट टू, परसों पार्ट थ्री होगा। और आपको पता है 3 दिन छुट्टी है, जैसे कि महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और फिर सैटरडे का ऑफ जो रहता है, तो इन 3 दिन में खाली बैठने से बेटर है आप ये वीडियो देखिए और आप इसमें कुछ प्रैक्टिस करें। एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको पता होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बट कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होता। आप टेक्निकल एनालिसिस में बात करते हैं कैंडलस्टिक की, चार्ट पैटर्न की, इंडिकेटर्स की, तो आज की वीडियो में मैं कैंडलस्टिक की को कवर करूँगा, फिर कल की वीडियो में चार्ट पैटर्न को, फिर मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। और इन 3 दिन में दोस्तों मैं रियलिटी बताने की कोशिश करूंगा, होता क्या है, कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मालूम तो होता है, बट एक्चुअल में उसका क्या रोल है, वो बनता कैसे है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में किस तरीके से हेल्पफुल करता है, क्या ये कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, क्या ये साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी एजुकेशनल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों यकीन मानिए, ये 3 दिन जो आपके हैं, इन 3 दिन में जो हमारी वीडियोज़ आएंगी उनको आपको देखकर प्रैक्टिस भी करनी होगी। और कोई डाउट होता है तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपने सुना होगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों बेसिकली चार्ट है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता कि मार्केट में पहली बात तो क्या होता है, आप सोचते हैं दौड़ दो चार, बट मार्केट में दौड़ दो चार नहीं होते, मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमें आर्टिस्ट की तरह काम करना पड़ता है, हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाना पड़ता है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी हेल्प करता है। बट काफ़ी लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को एज अ कैलकुलेशन लेते हैं कि भाई ये लेवल ब्रेक होगा तो ये लेवल आएगा, ये लाइन ब्रेक कर दी अब तो मार्केट बढ़ेगा। भाई साहब, मार्केट में लेवल्स और लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट किसी भी लेवल से रिवर्स हो सकता है, मार्केट किसी भी लाइन के ऊपर जाके वहाँ से नीचे आ सकता है। मार्केट जो चल रहा है दोस्तों वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चल रहा है, और डिमांड सप्लाई के ऊपर ऑलरेडी मैंने लास्ट सैटरडे को भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है। और डिमांड सप्लाई के अलावा दोस्तों आपको प्राइस एक्शन को भी समझना पड़ता है। सुनने को नाम बहुत सारे हैं, डिमांड सप्लाई, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, बट एक्चुअल में ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट क्या होता है ना कि इनको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। बेसिकली देखो, जब मार्केट में काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टडी जो करते हैं वो प्राइस की स्टडी करते हैं, भाव को पढ़ते हैं। गुजराती में कहावत है ना, भाव भगवान छे, भाव ही भगवान है। तो यहाँ पे जो भाव है इसकी हम स्टडी करते हैं, बट इसको कन्वर्ट कर दिया गया है कैंडलस्टिक में। जैसे आप लाइन चार्ट पढ़ते हैं, बार चार्ट को पढ़ते हैं, कुछ और भी बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट आप डायरेक्टली क्या करें, कैंडलस्टिक को पढ़ें। कैंडलस्टिक के अंदर क्या, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आज के वीडियो में कैंडलस्टिक का इन्वेंशन कैसे हुआ था, कि होमा था उसने इसका इन्वेंशन करा था और वो राइस का ट्रेडर हुआ करता था, मैं कोई कहानियाँ सुनाने नहीं वाला, क्योंकि कहानियों से दोस्तों पैसा नहीं आता, चीज़ों को समझने से पैसा आता है। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कैंडलस्टिक को, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। हालांकि मैं इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरी कैंडल्स तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक को ही पढ़ते हैं तो कम से कम आपको इसको समझने में ही महीना लग जाता है। तो मैं बेसिक चीज़ें दोस्तों कवर करूंगा जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो अब मैं पहले आपको लेके जाऊंगा बोर्ड पे, क्योंकि हमारी जो भी स्टडी रहेगी बोर्ड पे रहेगी, फिर मैं थोड़ा चार्ट पे आपको समझाना चाहूंगा। तो हम बेसिक चीज़ें दोस्तों यहाँ पे कवर करेंगे, और यहाँ पे मैं वाइट बोर्ड आपके सामने लगा देता हूँ। तो ये आप मेरे सामने बोर्ड देख रहे हैं, और हम पहले क्या करते हैं, कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं। जैसे आपको बताया कि कैंडलस्टिक बेसिकली क्या होता है, किससे बनता है, प्राइस से बनता है, हम प्राइस की स्टडी करते हैं। तो प्राइस की स्टडी करने के लिए हमें कैंडलस्टिक की स्टडी करनी पड़ती है। अब क्या होता है, अब आप देखते हैं कि कैंडल होती है, कैंडल कुछ इस तरीके की होती है, अब कैंडल इस तरीके की है, राइट। एक बुलिश कैंडल है, एक बेयरिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल को मैंने क्या, शेडेड कर दिया। अब बात करते हैं मार्केट में ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की, आपको पढ़ाई ये गया ग्रीन कैंडल, ग्रीन का मतलब होता है कि मार्केट तेज है, रेड कैंडल का मतलब है मार्केट मंदा है, बेयरिश है। आपको कभी भी ना कैंडल्स को कलर से जस्टिफाई नहीं करना है,
पहली बात, आप छोड़ दो, आप ग्रीन को आप उसका कलर वाइट कर सकते हो, आप रेड कैंडल का कलर आप ब्लैक कर सकते हो, बट आपको पहले कैंडल को समझना है। कैंडल को समझने के लिए आपको देखनी है चीज़ें कि ये जो कैंडल है ये है बुलिश कैंडल। मैं बेसिक चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में कवर करूँगा और यकीन मानिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे के लिए, क्योंकि क्या होता है ना बेसिक पे काम नहीं करते, आप एडवांस सीखने की कोशिश कर रहे, भैया एडवांस सिखा दूँ। एक बंदे का फोन आया, कह रहा है जी मेरे को ना एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। मैंने कहा एडवांस क्यों, एडवांस क्यों सीखना है आपको? कह रहा वैसे आता है मेरे को एडवांस सीखना है। मैंने कहा अच्छा बताना, जो ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल है बुलिश क्यों है, क्या रीज़न है उसका? उसको नहीं आता, पता ही नहीं उसे। सबको ना भागने की पड़ी है, अभी उठना भी नहीं सीखे हो आप, उसके बाद चलना भी है आपको, बट आप भागने की सोचते हो, रेस लगाने की सोचते हो, वो सबसे बड़ी गलत आदत है। वो चाहे ट्रेडिंग लाइन में हो, चाहे आप प्रैक्टिकली कहीं किसी भी लाइन में हो, उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है। आपको पहले अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ता है। जैसे बुलिश कैंडल है, अब बुलिश कैंडल है तो हमने देखा बुलिश कैंडल बुलिश क्यों है, क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न सबसे बड़ा होता है कि इसकी ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी ओपनिंग है 216 रुपये पे और क्लोजिंग है 220 रुपये पे, तो ये क्या है कि इसकी क्लोजिंग हायर देन ओपनिंग है, इसलिए ये क्या है, ये बुलिश कैंडल है। और ये क्या है, हाई और ये लो है, इसको हम बॉडी कहते हैं और इसको हम यहाँ पे शेडो कहते हैं, शेडो भी कह सकते हैं, टेल भी कह सकते हैं, और इसे विक भी बोलते हैं। तो उस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको शेडो भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं और विक भी बोलते हैं। ये क्या है, बुलिश कैंडल है। अब दूसरी कैंडल क्या है, बेयरिश कैंडल है। बेयरिश क्यों है, क्योंकि इसकी ओपनिंग मान लो है 240 रुपए की और क्लोजिंग जो है इसकी वो है 210 रुपए की, तो क्लोजिंग लोअर देन ओपनिंग, तो ये कैंडल कौन सी होगी, बेयरिश हो गई। लो और हाई दोनों कैंडल में सेम रहते हैं, हाई ऊपर लो नीचे रहता है, बट जो क्लोजिंग मैटर करती है, अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है तो वो बुलिश कैंडल है, और क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर है तो वो एक बेयरिश कैंडल होती है। और ये बीच का पार्ट क्या होता है, बेसिकली बॉडी का होता है। आपको पता है ये चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ग्रीन कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई, जी ग्रीन बनते बनते रेड बन गई, इस तरीके की बात करते हो। आप बात क्यों नहीं करते कि बुलिश कैंडल है, आप ग्रीन और रेड की बात में, बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडल अभी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर है। आपने देखा कि बुलिश कैंडल बनती है एकदम से बेयरिश कैंडल बनती है, क्या रीज़न है, क्योंकि ओपनिंग से पहले हायर थी उसलिए वो बुलिश कैंडल थी। जैसे ही मार्केट नीचे आया, ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हुई, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस को आप ले सकते हैं लाइव मार्केट में, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को आप चेक कर सकते हैं, वो उसकी क्लोजिंग होती है, तो वो कैंडल क्या हो जाती है, वो एक बेयरिश कैंडल हो जाती है, जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब ये देखेंगे दोस्तों ये क्या है, एक बेयरिश कैंडल है। अब ये बेयरिश कैंडल बेयरिश क्यों है, क्या रीज़न है उसका, क्योंकि हम अब यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे। मैं MT4 यूज़ करता हूँ तो मैं आपको MT4 में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ओपनिंग क्या है, 324.80 की है, और क्लोजिंग क्या है, 316.80 की, आप देख पा रहे होंगे ये चीज़। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओपनिंग है 324 रुपये की और क्लोजिंग है 316 रुपये की, इसलिए ये कैंडल क्या है, ये एक बेयरिश कैंडल है, राइट। अब मैं दूसरी कैंडल आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये MT4 मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको MT4 चाहिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इस कैंडल पे, इस कैंडल की ओपनिंग क्या है, 250 पे, 250 रुपये, और क्लोजिंग है 256 की, 250 पे ओपनिंग है, 256 पे क्या है इसकी क्लोजिंग है, तो ये कैंडल क्या हो गई, बुलिश कैंडल, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर थी। अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, क्या नया है इसमें, मेरे को पता था, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे पहले ही पता था, ये तो मुझे 4 साल पहले पता था। भैया ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर कर दी हैं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, पता होना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप उसको किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। देखिए क्या चीज़ है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोर्ड पे लेके जाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से डोजी कैंडल्स होती है, डोजी कैंडल के बारे में बताऊंगा, तो डोजी में क्या होता है, कुछ इस तरीके की कैंडल्स आपको दिखाई देती है, यहाँ पे इस तरीके की डोजी होती हैं। अब बोलेंगे यार ये डोजी कैसी होती है, डोजी बेसिकली क्या होती है, जिसमें बॉडी बहुत कम होती है। उस कैंडल और इस कैंडल में फ़र्क क्या है कि बॉडी काफ़ी कम है, ये देखेंगे बॉडी कम है। अब इसमें नाम है, ये डोजी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम हो सकती है, अगर डोजी इस तरीके की है तो ये ड्रैगन फ्लाई होगी, ये होगी ग्रेवस्टोन डोजी होगी, तो नाम में कुछ नहीं है। बेसिकली डोजी क्या होती है, वो कैंडल्स होती हैं जो एक ही रेट पे ओपन होके वहीं पे क्लोज हो जाती है,
देखेंगे कुछ खास मूवमेंट उस पर्टिकुलर कैंडल में कुछ खास मूवमेंट नहीं होती है, कुछ वॉल्यूम्स नहीं होते, लो वॉल्यूम वाली कैंडल होते हैं, उसको डोजी बोलते हैं। तीसरे कैंडल के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो है मारुबुजो कैंडल। मारुबुजो कैंडल कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत कम शेडो होती है उसमें, इस तरीके से देखेंगे तो बहुत कम शेडो है उसमें, बहुत कम शेडो होती है या तो शेडो नहीं भी होती। तो ओपनिंग ऊपर, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर बुलिश कैंडल, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे ये क्या होगी बेरिश कैंडल। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें कैंडल्स की जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैं डायरेक्टली कहाँ जाता हूँ, बोर्ड पे जाता हूँ, बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ये कैंडल क्या है, ये एक, ये दोनों कैंडल क्या है, मारुबुजो कैंडल है। मारुबुजो कैंडल की अंदर क्या साइकोलॉजी होती है, वो ये होती है कि उसके अंदर पर्टिकुलर क्या वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम्स क्या उसमें ज़्यादा होते हैं। और अगर आप देखेंगे डोजी, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डोजी कैंडल है इस तरीके की, इनमें क्या है वॉल्यूम्स कम है। तो एक में वॉल्यूम्स हायर है, एक में वॉल्यूम्स कम है, लोअर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे मार्केट में बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको किसी तरीके की कोई मारुबुजो कैंडल कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के नीचे, कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद, अभी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी नहीं आया क्योंकि मैं पैटर्न्स कवर नहीं करूँगा आज की वीडियो में, पैटर्न्स कवर करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, 10 घंटे 12 घंटे की वीडियो होगी अगर मैं कैंडलस्टिक ही कवर करूँगा तो। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं, इसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं, बट पैटर्न्स के बाद जब कोई पैटर्न्स बनता है तो वहाँ पे इसका रोल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। अब देखो क्या होता है कि वॉल्यूम आया, अगर देखेंगे बेरिश मारुबुजो की, इसमें बेरिश यानी कि डाउन साइड का वॉल्यूम था, सेलिंग ज़्यादा हुई, सप्लाई ज़्यादा हुई, बट ये चेंज भी हो जाता है, ये चेंज भी हो जाता है, ये डाउन से अप की तरफ भी चले जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक बेरिश मारुबुजो के बाद एक बुलिश मारुबुजो भी आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी कोई सप्लाई आई, क्योंकि बेरिश मारुबुजो में सप्लाई आई तो सप्लाई के बाद डिमांड भी बहुत तेज़ी से आई है वहाँ पे, और वो भी वॉल्यूम के साथ है, वॉल्यूम से गिरा, वॉल्यूम से बढ़ा, समझ पा रहे हैं, वॉल्यूम से गिरा, वॉल्यूम से बढ़ गया। तो कुछ रीज़न होगा इसके पीछे, वो रीज़न क्या है वो चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आप ये देखिएगा। राइट, अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए तो हम इसको और समझेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ, मैं आपके सामने अवर्ली चार्ट लगा देता हूँ। तो अवर्ली चार्ट पे हम देखेंगे तो इधर यहाँ पे, अब यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार। अभी मैंने ये कवर नहीं करा क्योंकि ये चीज़ें मैं कवर करने नहीं वाला। तो इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद जब कन्फर्मेशन कैंडल्स आती है तो वहाँ पे आपको कुछ मारुबुजो कैंडल्स दिखाई देती है। मारुबुजो कैंडल कहाँ पे दिखाई दिए, कन्फर्मेशन के बाद, जब कोई सेलिंग का पैटर्न बना, चाहे बाइंग का भी पैटर्न हो, बट यहाँ पे अगर सेलिंग का पैटर्न बनता है और सेलिंग के बाद जब आपको मारुबुजो कैंडल्स दिखाई देती हैं, इट मींस कि अब ये और भी ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। हालांकि आपको जो शॉर्ट पोजीशन बनानी होती है, यानी कि आपको जो बाइंग या सेलिंग इनिशिएट करना पड़ता है, पैटर्न्स के बाद करना पड़ता है, बट पैटर्न्स के बाद क्या होता है, वहाँ पे वॉल्यूम्स आते हैं। अब बोलेंगे यार वॉल्यूम्स आते हैं, एक्चुअल में वॉल्यूम्स आते हैं। आपको नहीं पता अगर स्टॉक यहाँ पे काम करा रहा है 210 पे, 220 पे काम करा रहा है, नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम आएगा, आपको नहीं पता। जब कोई पैटर्न्स बनता है तो पैटर्न्स के बाद वॉल्यूम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि बेसिकली आपको कैंडलस्टिक को समझना है, कैंडलस्टिक के अंदर प्राइस होते हैं, प्राइस की स्टडी करनी है, और प्राइस की स्टडी करने के लिए आपको बेसिक पे ध्यान देना है। बेसिक पे ध्यान देने के लिए आपको बेसिक कैंडल्स को समझना पड़ेगा, एक्चुअल बेसिक कैंडल्स क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है। इसके साथ साथ देखना पड़ेगा कि आपको मारुबुजो कैंडल क्या है, मारुबुजो कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम्स कभी भी चेंज हो जाते हैं बट पैटर्न के साथ उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप बोलेंगे मुझे पैटर्न नहीं आता, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बोलना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूं तो डोजी कैंडल, डोजी कैंडल का काफ़ी रोल है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, तो इवनिंग स्टार पैटर्न जो है वो एक पैटर्न है, बट यहाँ पे जो काम करा वो डोजी कैंडल ने काम करा है, डोजी की वजह से गिरा है, डोजी की वजह से मार्केट नीचे गिरी है। बट अगर वो डोजी को अगर आप वैसे ही देखेंगे, रैंडमली चेक करेंगे, तो कोई पैटर्न नहीं है, बट अगर उसकी डोजी की वैल्यू कहाँ पर, एक पर्टिकुलर एरिया में है, एक पर्टिकुलर एरिया में जब वो डोजी बनेगा तो वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल भी, रिवर्सल या वहाँ से एक तेज़ी देखने को मिलती है। जैसे अगर डोजी आपको टॉप पे मिलेगा तो वहाँ पे सेलिंग है, और बॉटम पे मिलता है तो वहाँ से आप पोजीशन अपनी क्या कर सकते हैं, बाय में बना सकते हैं। बट इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। जब कोई इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि उसमें कितनी कैंडल्स हैं,
उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है, प्रीवियस हाई या लो अनब्रेकेबल है या नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको चेक करनी पड़ती हैं। इसी कैंडलस्टिक पैटर्न से आप अपने टारगेट और एसएल भी लगाते हैं। अब अगर मैं मारुति कैंडल की बात करूँ तो कुछ कैंडल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखेंगे मैं थोड़ा समय लूँगा और ये देखेंगे। अगर आप देखेंगे एक मारुति बुज़ू कैंडल देखने को मिली है, मारुति बुज़ू के बाद एक छोटी सी डोजी देखने को मिली और उसके बाद मार्केट नीचे गया। इस कैंडल को कहते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मारुति बुज़ू के साथ डोजी बनी हुई है। अब मुझे पता है आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, जो नए लोग हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, रीज़न क्या है उसका। रीज़न उनको ये नहीं पता कि भाई मारुति बुज़ू कैंडल और उसके साथ साथ डोजी ये क्या कॉम्बिनेशन है। एक्चुअल में मारुति बुज़ू के साथ जब कोई डोजी बनी होती है टॉप पे, तो अगर बुलिश मारुति बुज़ू बेयरिश डोजी बनी होते हैं तो उसके बाद भी मार्केट बहुत तेजी से गिरता है। वही बॉटम पे अगर एक बेयरिश मारुति बुज़ू के साथ स्मॉल बुलिश डोजी बनी होती है तो भी दोस्तों मार्केट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये एक्चुअल में दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ये कैंडलस्टिक का जादू है। बेसिकली ये प्राइस की स्टडी है और प्राइस की स्टडी के लिए इसलिए हम कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। बहुत सी चीज़ें दोस्तों जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता था बट वो कवर नहीं हो पाएगी टाइम की वजह से, क्योंकि अगर मैं एक टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो वो बनते बनते बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पे www.chartanalysis.co.in, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस हैं, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर डाउ थ्योरी एलईडी थ्योरी टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। यहाँ से दोस्तों आप एक कोर्स परचेस कर सकते हैं, इसमें आपको बताया जाएगा बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में, साथ साथ आपको चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसके लॉजिक्स क्या हैं, कैंडलस्टिक बनने का कारण क्या है, साइकोलॉजी क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, कैंडलस्टिक क्यों बनती है, क्या रीज़न है, पैटर्न्स बनने का कारण क्या है, उसके लॉजिक्स के साथ साथ आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल में समझाई हुई हैं। ये 28 वीडियोस है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो नीचे मेरा नंबर है। लाइव मार्केट के सपोर्ट के लिए हम टेलीग्राम चैनल देते हैं, संडे के वेबिनार्स आपको मिलते हैं और साथ साथ को इसके साथ साथ साल में एक बार मीटअप भी करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ बेसिक कैंडल्स के बारे में आपको बताया है, उनको आपको समझना पड़ेगा, करने को काफ़ी बेसिक्स हैं बट इनका जो रोल है वो किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसका क्या रोल है, कैसे आप उस पर ट्रेड बना सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आप ये कोर्स आप ज़रूर लीजिएगा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, वेबसाइट पे विजिट करके ये कोर्स ज़रूर लीजिएगा। आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज पार्ट वन है, कल पार्ट टू है, और पार्ट टू में आपको मैं कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, फिर पार्ट थ्री में मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो कल की वीडियो भी आप जरूर देखिएगा और कल की वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।